नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च पर तंज कसते हुए सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को जनता ने पैदल कर दिया तो अब क्या करोगे। उनका दावा है कि अब अखिलेश यादव को पैदल ही रहना है। इसी बीच उनकी मुलाकात योगी से भी हुई, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि उनकी आखिर क्या बात हुई। देखिए इस रिपोर्ट में। सदन में जाते समय राजभर ने जहां सपा पर तीखे तीर चलाए, वहीं उनकी सत्तारूढ़ दल से नजदीकियां देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सदन में पहुंचे तो वह विपक्षी दलों की सीट की तरफ गए और राजभर से मुलाकात की। राजभर से पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ से उनकी बातचीत आखिर क्या हुई, तो उन्होंने कहा, योगी जी ने कहा कि आपके क्षेत्र में जो भी समस्या है बताओ, उसे हल करेंगे। इससे पहले सदन में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी राजभर से गले मिले। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब 5 साल सत्ता में थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया और आज पैदल घूम रहे हैं। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को जनता ने पैदल कर दिया है तो अब क्या करेंगे। सत्ता में थे तो कश्यप निषाद बिंद राजभर सबको भूल गए थे, पहचानते ही नहीं थे और अब नाटक कर रहे हैं। सुभाषपा प्रमुख ने यादव के अभियान को नाटक बताते हुए कहा कि जनता ने विधानसभा में भेजा है तो विधानसभा के मुद्दे उठाओ। उन्होंने दावा किया कि अब उन्हें पैदल ही रहना है। सदन में सुभाषपा के रुख पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार भू माफियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जातिवार जनगणना समेत हम 3-4 प्रमुख मुद्दों पर सदन में सवाल उठाएंगे। राजभर ने कहा कि 11 मार्च 2023 को उच्च न्यायालय ने भर राजभर को जनजाति में शामिल करने का आदेश दिया था, जिसे लागू करवाने की वह मांग करेंगे। सुभाषपा ने साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन साल 2019 तक राजभर ने बीजेपी से विद्रोह कर अलग रास्ता चुन लिया था। साल 2022 में वह समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में उनकी सपा से दूरी बढ़ गई। तब से अब तक राजभर अखिलेश को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। और बात रही उनकी मुलाकात योगी जी के साथ, तो इस पर अभी तक पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने निकलकर नहीं आया है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।